अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ तारिक महमूद। फोन्स फॉर यू चैनल के अंदर आपको वेलकम करते हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम लाए हैं 5 डिवाइसेस का कंपैरिजन, जो के है कैमन 19 प्रो, वीवो V21e, ओप्पो F21 प्रो, इन्फिनिक्स नोट 12 और सैमसंग A52। माजरत के साथ हमने शॉप चेंज कर ली है, तो शोर थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पर। तो भाई आज इस वीडियो के अंदर जो है ना, हमने पहाड़ के रख देनी है और कोई राउंड अबाउट जितने भी टेस्ट हमें मिल सकते थे हमने वो सारे के सारे किए हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम पहली बार इन 5 के 5 डिवाइसेस के ऊपर जो है कोई राउंड अबाउट 6 जो है वो टेस्ट करने वाले हैं। तो भाई जो बंदा जिससे भी सेटिस्फाइड होता है ना, वो इस वीडियो को देख ले और उसके अंदर एंड पे रिज़ल्ट उसको मिल जाएगा। हम एंड में अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता देंगे कि भाई हमारे पास यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेल होने वाला डिवाइस कौन सी है। तो 4 साल से भाई यही काम कर रहे हैं, तो पता लग ही जाता है कि कौन सी डिवाइस जो है ना वो ज़्यादा सेल हो रही है। लेकिन अब क्योंकि आप लोग टेक के चैनल पे आए हैं, तो आप लोगों को इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो जाएगा ये वीडियो देख के कि कौन सी डिवाइस जो है वो कंपेरेबल अदर डिवाइसेस के अच्छा परफॉर्म करेगी डिफरेंट सिनेरियोज़ के अंदर। तो अगर हम टेस्ट की बात करते हैं, तो भाई सबसे पहले जो है ना हम करेंगे PC मार्क, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे Antutu ऐप, जो मैं हमेशा से करता हूँ, और उसके बाद विलामो ऐप से हम टेस्ट करेंगे। उसके बाद जो है स्पीड टेस्ट बाय ओकला करेंगे, और जो उसके बाद मैं एज़ यूजुअल एक मेरी अपनी गेम है जो मैंने खुद बनाई है, जो सीन लोड का टाइम बताती है, वो हम करेंगे, और एंड पे हम 3D मार्क करेंगे। तो ज़्यादा वेट नहीं करते हम, अपने चलते हैं सेटअप की तरफ और आपको अगर दिखाते हैं कि क्या होता है फिर इस वीडियो के अंदर। अच्छा जी, देख सकते हैं आपके सेटअप हो चुका है। तो अभी हम जो अपना सबसे पहले जो टेस्ट करेंगे वो करेंगे PC मार्क, और जो ये PC मार्क है ये आप देख सकते हो कि टेस्ट स्टार्ट भी हो गया। तो ये टेस्ट यार बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, कोई अराउंड 10 मिनट्स के होते हैं, तो इस वजह से मैं इनको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो जो ये PC मार्क है, ये बेसिकली जो है आपके पूरे के पूरे फ़ोन को जो है ना वो बेंचमार्क टेस्ट इसका करेगा। और इसके अंदर ये जो डेली लाइफ हम के अंदर हम टास्क करते हैं, लाइक वेब ब्राउजिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, राइटिंग हो गया, फ़ोटो एडिटिंग हो गया, और डेटा मैनिपुलेशन होगा, इन सब चीज़ों को जो है ना ये करेगा, और इनको जो है ना बार बार परफॉर्म करके हमें एक स्कोर प्रोवाइड कर देगा। वो स्कोर से फिर हम जज करेंगे कि ये कितनी पावरफुल डिवाइस है। तो जी आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट भी आ गया हमारे पास। तो जी फर्स्ट नंबर के ऊपर जो है हमारा कैमन 19 प्रो हार है, जो कि बड़ा ही शॉकिंग है, क्योंकि इस डिवाइस के ऊपर इतना ज़्यादा जो है ना ट्रस्ट नहीं किया जाता। उसके बाद आ रहा है इन्फिनिक्स नोट 12, सेम शॉकिंग है ये भी। थर्ड नंबर के ऊपर जो आ रहा है वो सैमसंग का A52 आ रहा है, और फोर्थ के ऊपर जो है वो वीवो V21e है, और एंड पे ओप्पो F21 प्रो है। ये बड़ी शॉकिंग रिजल्ट है यार। और भाई पहले टेस्ट के अंदर टेक्नो जीत गया। ओके मेरे बहनों और भाइयों, टेक्नो के जीतने के बाद अब हम अपना करेंगे सेकंड टेस्ट, जो के है Antutu ऐप का टेस्ट, और उसको हम चला के चेक करेंगे। और बेसिकली Antutu जो ऐप है, अगर मेरे आप वीडियोस देखते रहते हैं तो ये भी एक हमें स्कोर प्रोवाइड करता है, और एवरेज हमें प्रोवाइड करता है, CPU को चेक करता है, GPU को, मेमोरी को, UX को चेक करके एक हमें एवरेज स्कोर दे देता है। और साथ में जो इस टेस्ट को होने में जो बैटरी कंज्यूम होती है उसको भी ये हमें बता देता है। तो हमें मतलब कम से कम 5-6 वैल्यूज़ मिल जाती हैं इस एक ऐप से। तो अब हम इसको देखते हैं, और आप देख भी सकते हैं कि टेस्ट जो है वो स्टार्ट भी हो गया। और भाइयों अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो पूरी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। नहीं तो भाई एंड पे चले जाएं, ये सारे के सारे जो है ना रिजल्ट्स जो है ना वो एंड पे आए हुए हैं, ऑलरेडी रिज़ल्ट भी आ गया। आप देख सकते हैं कि जो ओवरऑल अगर इनका एवरेज जो रिज़ल्ट आया है उसमें जो फर्स्ट नंबर पे है वो वीवो V21e है, सेकंड नंबर पे जो है वो सैमसंग A52 है, थर्ड पे है इन्फिनिक्स नोट 12, फोर्थ पे है टेक्नो कैमन 19 प्रो, और फिफ्थ पे और एंड पे है ओप्पो F21 प्रो। मुझे लग रहा है कि टेक्नो की हवा निकल गई है इस टेस्ट के अंदर,
और भाई सबसे वर्स्ट जो है ना वो ओप्पो ही है इतने पैसे भरने के बाद भी। और अगर आप टेम्परेचर की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे सैमसंग A52 आ रहा है जिसका 3.4 डिग्री राइज हुआ है टेम्परेचर। सेकंड नंबर पे वीवो V21e का जो टेम्परेचर है वो 4.7 डिग्री राइज हुआ है। थर्ड पे ओप्पो F21 Pro, उसका 4.9 डिग्री टेम्परेचर अप हुआ है, मतलब राइज हुआ है। और फोर्थ पे Canon 19 Pro, उसका 6.1 डिग्री अप हुआ है। और फिफ्थ पे है Note 12 Infinix का, जो जिसका 7.0 डिग्री जो है वो अप हुआ है टेम्परेचर। अगर हम बैटरी की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे OPPO F21 Pro है जिसकी 2% बैटरी डाउन हुई है ड्यूरिंग दिस टेस्ट। और सेकंड पे Canon 19 Pro, Samsung A52 और Vivo V21e की 3% डाउन हुई है बैटरी, तो ये सेकंड नंबर पे तीनों ही आएंगे। और थर्ड पे जो है वो नोट 12 जिसकी 4% डाउन हुई है इन्फिनिक्स का जो है, और ये एंड पे आएगा। तो जी अब चलते हैं अपने थर्ड टेस्ट की तरफ जो है विलामो ऐप। और जो ये ऐप है ये बेसिकली ब्राउज़र को टेस्ट करती है कि ब्राउज़र के अंदर, मतलब जिस तरह का गूगल क्रोम है उसमें, अगर उसमें आप कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें वो कौन सा ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी। तो ये भी हमें एक स्कोर प्रोवाइड कर देगा कि गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउज़र का जो टेस्ट है, ब्राउज़र अपने टास्क को कितना अच्छा परफॉर्म करेगा कौन सी डिवाइस में, तो ये अभी आपको उसका भी रिज़ल्ट दे देगा। तो आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट आ गया और फर्स्ट नंबर पे जो है वो सैमसंग का A52 है, सेकंड नंबर पे इन्फिनिक्स नोट 12 है, थर्ड नंबर पे Canon 19 Pro है, फोर्थ पे Vivo V21e और एंड पे फिफ्थ पे है OPPO F21 Pro। ये इस टेस्ट में भी रह गया। F21 Pro को मैंने फिफ्थ इस वजह से कहा है क्योंकि इसमें ये ऐप ही हैंग हो गई थी, तो मतलब स्टक हो गई थी। तो मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत ज़्यादा जो हैवी टास्क है वो ब्राउज़र के अंदर F21 Pro हैंडल ही नहीं कर पाएगा, तो इस वजह से इसको मैंने मतलब फिफ्थ नंबर एंड पे मतलब रखा है। तो जी ओप्पो के शॉकिंग रिजल्ट्स के बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टेस्ट की तरफ जो कि है स्पीड टेस्ट बाय ओकला। और इस टेस्ट के अंदर अब हम ये देखेंगे कि ये सारे के सारे डिवाइसेस जो हैं वो एक ही वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट होंगी। तो अब हमने ये देखना है कि अपलोड स्पीड और डाउनलोड स्पीड जो है वो कौन सी डिवाइस जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतर देगी। मतलब अगर हम अपने सिंपल सिनेरियोज़ में देखें तो हमारे घरों में या पब्लिक वाईफाई के अंदर अगर बहुत ज़्यादा डिवाइसेस एक ही वाईफाई से कनेक्ट होंगी तो हमें ये रिज़ल्ट देगी कि कौन सी डिवाइस जो है वो अच्छी डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड देगी। तो अब आपके सामने आप देख भी सकते हैं कि रिज़ल्ट भी आ गया। तो फर्स्ट नंबर पे जो है वो F21 Pro आ रहा है डाउनलोड स्पीड के अंदर, जो कि शॉकिंग है थोड़ा सा। और सेकंड नंबर पे Samsung A52 है, थर्ड पे Canon 19 Pro है, फोर्थ पे इन्फिनिक्स नोट 12 है और फिफ्थ पे है Vivo V21e। अगर हम अपलोड स्पीड की बात करें तो फिर शॉकिंग है कि फर्स्ट नंबर पे F21 Pro है, सेकंड पे Canon 19 Pro है, थर्ड पे A52 सैमसंग और फोर्थ पे इन्फिनिक्स नोट 12 और फिफ्थ पे है Vivo V21e। मुझे लग रहा है कि Vivo V21e भाई गया आप तो। तो जी इंटरनेट स्पीड टेस्ट के बाद अब हम करेंगे गेम टेस्टिंग, और इसमें मैं अपनी गेम चला के टेस्ट करूंगा जिसमें हमें जो सीन लोड होने का जो टाइम है वो हमें ये बता देगा। और इसमें कोई ताल्लुक नहीं है इंटरनेट से किसी भी चीज़ से, जस्ट एक हैवी सीन लोड होने में जो टाइम हमें बताएगा सेकंड्स में वो यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर देगा। तो आप देख भी सकते हैं कि रिज़ल्ट भी आ गया। तो जो फर्स्ट नंबर पे है वो Canon 19 Pro है जो इसमें 1.904 सेकंड में लोड हुआ है सीन। सेकंड पे Vivo V21e है जिसमें 1.909 में हुआ है। थर्ड पे Samsung A52 जिसमें 2.12 सेकंड में हो रहा है सीन लोड। फोर्थ पे है OPPO F21 Pro जिसमें 2.15 सेकंड में लोड हो रहा है। फिफ्थ पे है इन्फिनिक्स नोट 12 जिसमें 2.16 सेकंड में लोड हो रहा है। बाकी इनको मैं चला के भी दिखा दिया, तो आपको स्क्रीन आप पे आप देख भी सकते हैं कि किसके अंदर स्मूथली गेम जो है ना वो चल रही है।
तो जी गेमिंग टेस्ट के बाद अब हम चलते हैं अपने लास्ट टेस्ट की तरफ जो कि है 3D मार्क। और इस ऐप के अंदर भी हम बेसिकली गेम को ही टेस्ट कर रहे होंगे। ये जो ऐप है हमें एक स्कोर प्रोवाइड कर देगा जिसके जो के बेस्ड होगा इसकी बेंचमार्क टेस्टिंग के ऊपर, और ये रिलेटेड टू जो है ना गेम को ही टेस्ट करेगा, मतलब हैवी ग्राफिक्स को चला के चेक करेगा और एंड में हमें एक स्कोर प्रोवाइड कर देगा जिसके अंदर जो है ना जिससे हमें ये पता लगेगा कि कोई हैवी गेम वो कौन से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी इन डिवाइसेस के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि जो टेस्ट है ये स्टार्ट भी हो गया। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो देख लिया भाई तो अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मज़ीद आपको वीडियोस मिलते रहें। और अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा और पेज को फॉलो भी कर दीजिएगा, तो इससे जो है ना हमें हमारी मेहनत का जो है ना ये समझने के सिला मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट आ गया। तो फर्स्ट नंबर पे जो है वो इन्फिनिक्स नोट 12 आ रहा है 1196 स्कोर के साथ। सेकंड पे कैमन 19 प्रो आ रहा है 1185 स्कोर के साथ। थर्ड पे वीवो V21e आ रहा है 1056 स्कोर के साथ। फोर्थ पे आ रहा है सैमसंग A52 1043 स्कोर के साथ। और एंड पे एज़ यूजुअल हमारे इन सारे टेस्ट के अंदर जो है वो ओप्पो F21 प्रो 443 के साथ। बहुत शॉकिंग रिज़ल्ट है और इस हिसाब से F21 प्रो बहुत ही फारिक डिवाइस है। 80,000 के अंदर 75,000 के अंदर जो ये चीज़ हमें दे रहे हैं वो आपके सामने ही है सारी। अब जिस ऐप के ऊपर आपको ज़्यादा ट्रस्ट है आप उसके ऊपर जो है ना रिलाई कर लें और स्कोर सबके आपके सामने ही आ गए हैं। तो मेरे हिसाब से मतलब इन्फिनिक्स जैसे डिवाइस ने इसको बीट आउट कर दिया है। और कैमन 19 प्रो आप देख सकते हैं कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी डिवाइस है जो कि इन सब को कम्पीट कर रही है। A52 के साथ वो कम्पीट कर रही है, सिर्फ 1 पॉइंट के साथ वो रह गई है। तो बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट्स हैं आपके सामने है, स्क्रीन के ऊपर हैं, अब आप देख भी सकते हैं। कोशिश तो भाई मैंने बड़ी की कहना वीडियो छोटी हो, लेकिन बड़ी माजरत के साथ वीडियो छोटी हो बन नहीं सकी क्योंकि 5 डिवाइसेस का कंपैरिजन था और राउंड अबाउट 6 टेस्ट थे तो उन सारों को कंपाइल भी करना था। तो रिज़ल्ट आप लोगों ने देख ही लिया, ठीक है ना, कि भाई कौन सी चीज़ जो है वो अच्छी है। बाकी मैं तो अब इसके ऊपर कोई वो नहीं दूंगा आपको जजमेंट, ठीक है। हाँ लेकिन मैं ये आपको बता देता हूँ, हमारे पास जो सबसे ज़्यादा जो सेल होने वाली डिवाइस है ना वो इस टाइम पे ओप्पो F21 प्रो चल रहा है, ठीक है ना। और V21e भी जो है वो भी अच्छा खासा सेल हुआ था, लेकिन अभी वो आपको पता है कि डिसकंटिन्यू हो चुका है क्योंकि V23e आ गया है। लेकिन वो भी अगर आप देख लें, मैंने उसका लिंक यहाँ पे लगा दी है, जो वो वीडियो है मैंने कंपेयर की हुई है V21e वर्सेस V23e, तो वो भी आपको पता लग जाएगा कि कौन से डिवाइस जो है ना उन दोनों में से अच्छी है, ठीक है। वो मैं आपका सस्पेंस ख़त्म नहीं करता। कैमन 19 प्रो और जो इन्फिनिक्स का नोट 12 है 8256, नो डाउट बहुत अच्छी डिवाइसेस है, लेकिन वो थोड़ी सी ना अपर लेवल पे चली जाती हैं इस रेंज के अंदर मार्केट के हिसाब से ना, तो यूज़र इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता टेक्नो और इन्फिनिक्स के ऊपर। लेकिन मेरे हिसाब से करना चाहिए क्योंकि इस जो ये हमें रेट दे रही है ना, इस रेट के अंदर एक्सेप्शनल डिवाइसेस हैं ये, कोई और नहीं दे रही। मतलब अगर आप F21 प्रो को भी कंपेयर करोगे तो राउंड अबाउट इस टाइम पे 70,000 तक वो पहुंचा हुआ है, तो राउंड अबाउट हमारे पास तो वो 65, 66, 67 तक का मिल रहा है। तो उसके अंदर आपको कंपेरेबल अगर कैमन 19 प्रो मिलता है तो, या तो आपको क्या नाम है जो है नोट 12 इन्फिनिक्स का मिलता है, तो यार वो बहुत अच्छी चीज़ है। कैमन 19 प्रो और नोट 12 के अंदर बस थोड़ा सा ये फ़र्क है कि अमोल्ड डिस्प्ले का फ़र्क आ जाता है, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से एक वीक पॉइंट है कैमन 19 प्रो के अंदर, कि कैमन 19 प्रो में उन्होंने देना चाहिए था उनको अमोल्ड डिस्प्ले देना चाहिए था, लेकिन खैर से अगर नहीं दिया तो लेकिन उसके जो कैमरा क्वालिटी वगैरह है वो फिर भी जस्टिफाई करती है उस चीज़ को। बाकी रिज़ल्ट आपके सामने है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मज़ीद आपको वीडियोज़ मिलते रहें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो भाई पेज को जो है ना लाइक कर दीजिएगा और फॉलो कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को ताकि हम मज़ीद आपको वीडियो फ्यूचर में देते रहें। ये बड़ी मुश्किल से बनती हैं वीडियोस, तो जैसे ही हमारे पास डिवाइसेज आती है हम कोशिश करते रहते हैं, फिर ज़िंदगी के और भी काम चलते रहते हैं। तो दुआ भी कीजिएगा कि हम आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देते रहें। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।